ठीक है, इसका पता कैसे चलता है कि जो सुपीरियर बॉर्डर है वो लॉबिलेटेड या नॉच टाइप होता है, तो ये सुपीरियर बॉर्डर है इसका, एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ये इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है, और ये वाला ये इंटरमीडिएट बॉर्डर है, ये थिक एंड रिच, ठीक है, और इंटरमीडिएट बॉर्डर के नीचे हाइलोमा होती है, ठीक है, दो सर्फेस हैं, डायफ्रैगमेटिक सर्फेस और पेरिटोनियल विस्कस सर्फेस जिसको कहते हैं। ये इंटीरियर है, ये ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, एंटीरियर एंड के पास ही नॉच है, ये लॉबुलेटेड होता है ना, ठीक है, ये फंडस ऑफ द स्टमक से रिलेटेड होती है, उसके सर्फेस पर ये डायफ्राम से रिलेटेड है, स्क्रीन में बस इतनी है, दो सर्फेसेज हैं, तीन बॉर्डर्स हैं, दो एंड बॉडी प्रोसेस वगैरह, क्या बॉडी और प्रोसेस वगैरह बता दे, अनकनेक्ट प्रोसेस वगैरह। अच्छा, वो ये ऐसे आएगी, ये ड्यूडिनम है, सॉरी ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड डिसेंडिंग पार्ट, और ये थर्ड ट्रांसवर्स जो पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है, उसके बाद ये इसके पास जो रिलेटेड होता है ये हेड है सारा, ये अनसिनेट प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे राइट लेटरल बॉर्डर होता है, उसके बाद जो बॉडी है उसके तीन बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है, और ये इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है, पोस्टीरियर सर्फिस एंटीरियर सर्फिस, पोस्टीरियर सर्फिस पे स्पिनिक जो वेन है वो ट्रैवर्स करती है, ठीक है, और उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है ये वाला, ये टेल है, ठीक है, टेल, बॉडी, हेड, अनसिनेट प्रोसेस और बाकी बॉटल बता दिया दोबारा, वही तो बताइए क्या ये, या तो कोई वेन है या आर्टरी है, जो पीछे से स्क्रीनिक वेन ही आती है या पोर्टल वेन है, बस इतने गंदे मॉडल पे स्पेसिमेन पे क्या स्पॉट आएगा, टेस्ट में इतने गंदे, कितने गंदे थे ये, लेकिन समझ आ रहा है।